हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो हमारी डेसिमल टू ऑक्टल के बारे में थी, आज उसके वाइस वर्सा ऑक्टल टू डेसिमल देखते हैं कि किस तरह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे देयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हमने बाइनरी टू डेसिमल में जो है एक नंबर अगर हमें गिवन हो 1011 तो इसकी पोजीशनिंग होती है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर है पोजीशन 0, ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। इसी तरह अगर ऑक्टल को भी आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भी आपने यही चीज करनी है। लेट्स सपोज एक नंबर है 1, 2, 3, 4, तो इसकी भी इसी तरह ही पोजीशनिंग होती है। यह पोजीशन 0, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। फिर जो है बाइनरी में हमने ये मल्टीप्लाई किया था, ये नंबर 2 to power 0 के साथ, ये मल्टीप्लाई किया था 2 to power 1 के साथ, ये मल्टीप्लाई किया था 2 to power 2 के साथ। क्योंकि बाइनरी का बेस है 2 और यहाँ पर बेस क्या है, ऑक्टल का 8 है, सो 8 into 8 power 0, 8 power 1, 8 power 2। तो अब इसको जो है हम इस तरह करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक दो एग्जांपल इस पे करते हैं। तो पहला एग्जांपल है 3065। ये एक नंबर है। सबसे पहले बात आती है बेस की, यहाँ पर बेस क्या है, 8 है। तो अब नंबर जो है वो हम लेते हैं 3, 0, 6 और 5। ये है पोजीशन 0, पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3। ये पोजीशनिंग है। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 power 0, बेस क्या है 8 है। फिर प्लस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 power 1, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 square के साथ, और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 cube के साथ। तो इससे आता है 3 into 8 cube से 1536। ये हो जाएगा 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0, प्लस 48, इससे 48 और ये है 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1589 और ये है डेसिमल में। ऑक्टल नंबर अगर इस तरह हो तो डेसिमल में जो है ये बराबर है इसके। तो ये था आंसर। चलो एक और नंबर जो है हम ट्राई कर लेते हैं, जिस तरह ये नंबर है। अब यहां पर बेस क्या है, बेस 8 है, सो नंबर ट्राई करते हैं 5, 5, 0, 6, 7। ये ऑक्टल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल। 0, 1, 2, 3, 4। अब ये जो है 4 तक चला गया है, तो चलिए कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई कर लो 8 power 0 के साथ, फिर 6 मल्टीप्लाई कर लो 8 power 1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई कर लो 8 power 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई कर लो 8 power 3 के साथ, और फिर 5 जो है वो मल्टीप्लाई कर लो 8 power 4 के साथ। तो अब इससे जो है आ जाता है 20480, प्लस इससे जो है वो 2560। ये हो जाएगा 0 क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0, और इससे जो है 48 और प्लस इससे आ जाता है 7। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23095 और ये है डेसिमल नंबर। तो ये ऑक्टल नंबर जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ये था ऑक्टल टू डेसिमल। पिछली वीडियो में हमने डेसिमल टू ऑक्टल किया था, अब जो है ऑक्टल टू डेसिमल किया। तो अगर इन दोनों लेक्चर्स में कोई मसला हो, कोई चीज मिस हो गई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।